नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में मुठभेड़ शुरू। कास्टीगढ़ क्षेत्र में आतंकी और सुरक्षा बलों में मुठभेड़। आतंकवादियों ने रात में एक स्कूल में ली थी पनाह। मुठभेड़ में नागरिकों के भी घायल होने की खबर। दो जवान घायल, निकटतम अस्पताल में भर्ती। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। एक बार फिर आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ देखने को मिल रही है, जिसमें दो जवान भी घायल हो गए हैं। नागरिकों के घायल होने की भी खबर है। जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि आतंकवादियों ने रात में एक स्कूल में पनाह ली थी। अब मुठभेड़ देखने को मिल रही है। मुठभेड़ में नागरिकों के भी घायल होने की खबर है। साथ ही दो जवान घायल हुए, जिन्हें पास के ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और ये तस्वीरें सामने आई है, जहां सुबह सुबह आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। डोडा से एक और बड़ी खबर सामने आई है, हम आपको बताते चले। जहां एक तरफ लगातार सर्च ऑपरेशन जारी था, वहीं काश्तीगढ़ डोडा में आज अर्ली मॉर्निंग आतंकियों के साथ एक कंटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ। कंटेक्ट एस्टैब्लिश होने के बाद मुठभेड़ हुई, और मुठभेड़ में अभी तक की जो जानकारी है उसके अनुसार दो हमारे सेना के जवान इसमें घायल हुए हैं। इन्हें तुरंत जो पास का हॉस्पिटल है वहाँ पर शिफ्ट किया गया है। पूरे इलाके में आतंकियों की प्रेजेंस को लेकर यहाँ पर जहाँ एक तरफ छानबीन चल रही है, सर्च ऑपरेशन जारी है, वहीं काश्तीगढ़ जो ये लोकेशन है इसके बारे में हम आपको बताते चले। काश्तीगढ़ देसा फॉरेस्ट, जहाँ पर हमारे जवान शहीद हुए थे, उससे लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर पड़ता है। वहीं ज़िला डोडा के मुख्यालय से काश्तीगढ़ भी 15 से 20 किलोमीटर पड़ता है। और ऐसे में ये बात साबित हो चुकी है कि ये जो आतंकियों का गुट है, ये लगातार अपनी पोजीशन बदल रहा है। यही वजह है कि ये पहले देसा में इन्होंने जिस तरह से इनके साथ एनकाउंटर हुआ, उसके बाद कल सुबह भाटा जो गांव है वहां पर इन्हें घेरा गया, लेकिन वहां से निकलकर अगर ये वही गुट है तो ये काश्तीगढ़ पहुँचा है। और इस बार जहाँ एक तरफ हमारे दो जवान इसमें घायल बताए जाते हैं, वहीं पूरे इलाके में सुरक्षा बलों ने इन आतंकियों को घेर लिया है, और उम्मीद करते हैं कि जल्दी इन्हें न्यूट्रलाइज भी कर दिया जाएगा। तो जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां डोडा जिले में एक बार फिर मुठभेड़ शुरू हो गई है। कास्टीगढ़ क्षेत्र में इस बार आतंकी और सेना के बीच मुठभेड़ हो रही है। सुरक्षा बलों ने लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे थे, जिसमें इन आतंकियों का इनपुट मिला और उसके बाद ये मुठभेड़ शुरू हो गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जम्मू कश्मीर से संवाददाता दीपांकर गुप्ता जुड़ चुके हैं। दीपांकर, पूरी जानकारी चाहेंगे, कैसे इन आतंकियों के बारे में सूचना मिली सेना को, और उसके बाद किस तरह से इनके ये जो मुठभेड़ शुरू हुई है, इसकी असली वजह क्या बताई जा रही, कहां छुपे थे, क्या इनपुट मिला था, पूरी जानकारी चाहेंगे। देखिए, ये जो एक आज आतंकियों को घेरा गया है, ये पिछले दो दिन पहले एक मददगार है इनका, शौकत इसी इलाके में रहता है, उसके घर पर आतंकी रहे थे, ऐसी सूचना जो है वो सूत्रों के हवाले से मिली। और ये भी पता चला कि आखिरकार सर्च ऑपरेशन और इनपुट इंटेलिजेंस गैदर करते करते हमारे सुरक्षा बल शौकत तक पहुंच गए, और उसने जानकारी दी कि काश्तीगढ़ के जो ये पहाड़ी का टॉप है वहां पर ये आतंकी जो है वो छुपे हुए हैं, और उस पूरे टॉप के इलाके को घेरा गया। लगभग सुबह 4:30 बजे फायरिंग का सिलसिला जो शुरू हुआ वो एक घंटे तक चला। इसमें ये भी बताया जाता है कि ये जो टॉप है यहाँ पर कुछ एक दो लोग गुजर बकरवाल समुदाय के भी रहते हैं, और सेना का जहां एक तरफ ये भी इंश्योर करना है कि इन आतंकियों को, हम तीन आतंकी ये बताए जाते हैं, और इनको मार गिराना है, वहीं कोई कोलेटरल डैमेज किसी तरह का ना हो वो भी इंश्योर करना है। लेकिन एक बात पक्की है कि ऊपर पहाड़ी के टॉप पर इन्हें घेर लिया गया है, अब ये आतंकी बचकर नहीं निकल पाएंगे। और जिस तरह 26 जून को हमने तीन पाकिस्तानी आतंकियों को डोडा जिले में ही इसी इलाके के पास में मार गिराया था, इसी तरह से ये पाकिस्तानी आतंकी भी जल्दी मार गिराए जाएंगे।
जी दीपांकर, इन आतंकियों की कितनी संख्या बताई जा रही है और कितने बजे से ये फायरिंग जारी है? देखिए, शौकत की जो इनपुट मिली उसके बाद जो जानकारी है उसके अनुसार तीन आतंकी हैं और यही तीन आतंकी लगभग 10-15 किलोमीटर दूर जो देसा फॉरेस्ट है वहां पर इन्होंने हमारे जवानों को शहीद किया था। और लगातार आपने देखा जिस तरह कल ये भाटा का जो गांव है पास में वहां पहुंचे थे, वहां भी एनकाउंटर हुआ था लेकिन वहां से भी निकल भागे थे। ऐसे में आज इन्हें तीन आतंकियों को घेर लिया गया है और सुबह लगभग 4:30 बजे से 1 घंटे तक ये फायरिंग का सिलसिला चला है, अभी भी इन्हें पूरी तरह से घेरा गया है। जी दीपांकर, दो जवान के घायल होने की खबर भी सामने आई है, साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि कुछ नागरिक भी घायल हुए, उसके बारे में क्या अपडेट है? लेकिन नागरिकों के घायल होने की कोई अभी कंफर्मेशन नहीं है, सिर्फ यही पता लगा है कि जो टॉप है वहां पर गुजर बकरवाल समुदाय के कुछ वहां पे एक परिवार जरूर है और सेना का कोशिश है कि किसी तरह का सिविलियंस को कोई ज्यादा नुकसान ना हो। जहां तक सवाल है दो सेना के जवानों का, उन्हें वहां से जो पास का हॉस्पिटल है वहां शिफ्ट किया गया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ जम्मू कश्मीर से संवाददाता दीपांकर गुप्ता जुड़े हुए थे। तो जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में मुठभेड़ एक बार फिर शुरू हो गई है आतंकियों और सेना के बीच, और इन आतंकियों को सेना ने पूरी तरह से घेर लिया है और जल्द ही इन्हें काबू भी कर लिया जाएगा। अगली खबर का रुख करते हैं यूपीएसटीएफ की। शाहजहांपुर में बदमाशों से मुठभेड़ में 1 लाख के इनामी बदमाश को लगी गोली, बदमाश गंभीर रूप से घायल, हॉस्पिटल में भर्ती। शाहनूर उर्फ शानू पर कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज है, पहले से ही बदमाश पर हत्या लूट समेत 32 मुकदमे दर्ज है और अब इस बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि एक मुठभेड़ में ये बदमाश घायल हुआ है जिसके ऊपर 1 लाख का इनाम घोषित है, इसके ऊपर कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज है, कुल 32 मुकदमे दर्ज है जिसे अब मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। दबंगों के आगे नतमस्तक दिखाई दी लखनऊ पुलिस, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। महंगवा पुलिस के सामने दो पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष, जमीनी विवाद में चले लाठी डंडे, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। स्थानीय पुलिस के मौके पर रहने के बावजूद दबंगों को नहीं रहा पुलिस का डर, दबंग एक दूसरे को पीटते रहे और पुलिस दबंगों के आगे नतमस्तक होकर चिल्लाती रही। उस पिपरी गांव में जमीनी विवाद को लेकर पुलिस के सामने दो पक्षों में लाठी डंडे चले हैं, जिस मारपीट में महिला और पुरुष दोनों शामिल थे। मंगलवार देर रात पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई भी की और ये तस्वीर अब सामने आई है जहां पुलिस की मौजूदगी में जमकर लाठी डंडे चले और दोनों पक्षों से कई लोग घायल हुए हैं। इन लोगों में कोई पुलिस प्रशासन कानून का डर नजर नहीं आया, पुलिस की मौजूदगी में जमकर लाठी डंडे चले हैं, कई लोग घायल हुए हैं। अलीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, देव सुमन गोयल नाम का एक ठग गिरफ्तार किया गया है, 20 करोड़ से अधिक की ठगी का इस पर आरोप है। कोर्ट से वारंट जारी होने के बावजूद नहीं पहुंच रहा था अदालत, वंदना देवी पुलिस ने ठग को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देव सुमन गोयल नाम का ठग गिरफ्तार किया गया है, 20 करोड़ से अधिक की ठगी का इसके ऊपर आरोप है। ये हमारी रिश्तेदारी में लगता है, मेरे साथ दोस्ताना संबंध भी है देव सुमन गोयल और हमारे पिताजी का ये रिश्ते में भांजा लगता है। तो ये घर पे आके मजी मतलब पैरों में पड़ गया कि बहुत ज़रूरत है, इसका लेन देन का व्यापार है, तो बोला मुझे किसी के पैसे देने, मेरे पैसे आ जाएंगे मैं दे दूंगा। तो वो रिटायर्ड आदमी है, 83 वर्ष की अवस्था, कैंसर के पेशेंट हैं, ब्लड कैंसर है उनको, और जमा पूंजी उनकी जो है उन्होंने फिर बोला, उन्होंने कहा मैं चेक दे देता हूँ तुझे, तो इसने कहा चेक नहीं मुझे कैश ही चाहिए। उन्होंने बैंक से निकलवा के इसको बुलवा के और वो पैसे दे दिए, ये ले गया था 8 लाख रुपये हमारे भाई के अकाउंट से, बीच वाला भाई हमारा, और 8 लाख रुपये फादर के अकाउंट से, वो अविवाहित है तो वो फादर के साथ ही रहता है। उसके बाद इसने कहा मैं 15 दिन में ये पैसे आपको वापस कर दूंगा, लेकिन ये 15 दिन के बाद इसने आनाकानी शुरू कर दी, आना जाना बंद कर दिया। मेरे पास जो आता था, मेरी दुकान है और ये इसके घर के पास ही,
दिन में 4 बार आता था, आना इसने मेरे पास भी बंद कर दिया। और इसने एक ठग को गिरफ्तार कर लिया गया है, 20 करोड़ से अधिक की ठगी का इस पर आरोप है। कोर्ट से वारंट जारी होने के बावजूद भी अदालत नहीं पहुंच रहा था, तो वहीं अब बन्ना देवी पुलिस ने ठग को गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।